तो वीडियो का टाइटल तो आपने देख ही लिया है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने किस तरह से एक महीने के अंदर $90,000 से ज्यादा का एफिलिएट कमीशन जनरेट किया है, वो भी जस्ट एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैंने किस तरह की स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया, मैंने किस तरह के प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया और क्या मेरा माइंडसेट था ये सारी चीजें करने में, और आप भी सेम चीज किस तरह से कर सकते हो यूएस के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग करके, सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूँ। मेक श्योर इस पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जो भी आपके डाउट्स हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आई विल डेफिनेटली आंसर यू इन कमेंट्स, राइट। और वीडियो को अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड मैं कंटेंट लेकर आता रहता हूं और आपको वो सारी चीजें बताता हूं जो आज के टाइम में कोई भी एफिलिएट मार्केटर आपको नहीं बताने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने रिजल्ट्स दिखाता हूं, जो कि मैंने आपको बताया लास्ट 30 डेज के अंदर $90,000 से ज्यादा जो मैंने जनरेट करे। अब मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूं। तो जस्ट मैं यहां पर आ गया हूं, ठीक है, और यहां पर मैं सबसे पहले क्रोम को ओपन करता हूं अपने, और क्रोम को ओपन करने के बाद में यहां पर मैं टाइप करता हूं वॉरियर प्लस, जिसके प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं जस्ट अभी यहां पे काम कर रहा हूं, ठीक है। और यहां पर आने के बाद में वॉरियर प्लस पे मैंने क्लिक किया। वॉरियर प्लस एक एफिलिएट नेटवर्क है जिसके ऊपर मैं भी करंट में काम कर रहा हूं। मैं यहां पर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करता हूं। अब डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद में यू कैन जस्ट चेक इट आउट कि मेरा नाम यहां पर आ रहा है, लेकिन उसको मैं लॉग आउट कर देता हूं फिर भी आपके सामने, ताकि आपको और ज्यादा ऑथेंटिक लगे, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से यहां पर लॉग इन करता हूं। लॉग इन पे मैंने यहां पे क्लिक किया, यूजर नेम में यहां पे अपना टाइप करता हूं सबसे पहले, ठीक है। यहां पे मैंने यूजर नेम टाइप किया अपना यान आरफी, ठीक है, आयान आरफी का आयान आरिफ हो गया है, ठीक है, WWARFI, ठीक है। अब पासवर्ड मुझे यहां पे डालना है अपना, तो मैंने यहां पे अपना पासवर्ड डाल दिया, ओके डन, लॉग इन मैंने उसको यहाँ पे कर दिया है। अब लॉग इन हो गया है मेरे यहाँ पे एफिलिएट नेटवर्क के अंदर, लॉग इन हो गया जो कि वॉरियर प्लस है मेरा। अब मैं एफिलिएट के अंदर डैशबोर्ड के अंदर जाता हूँ, जस्ट लुक एट दिस द नंबर, लाइक लुक एट द नंबर हियर। आज के दिन एक सिंगल डे के अंदर $3,745 का मैंने यहाँ पे एफिलिएट कमीशन जनरेट किया है, एक सिंगल डे के अंदर, राइट। और ये जो आपको मैं एफिलिएट कमीशन दिखा रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि तुक्के में आया है, ये कंसिस्टेंट बेसिस पे मैंने जनरेट किया, जो कि मैं आपको अभी दिखाने भी वाला हूँ, राइट। एक दिन के अंदर $3,000 से ज्यादा का एफिलिएट कमीशन जनरेट करना, मतलब $3,745 एक सिंगल डे के अंदर, ठीक है। आज के टाइम में इतना एफिलिएट कमीशन बहुत कम लोग जनरेट करते हैं, तो ऐसा तो मैं कुछ डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैंने क्रैक किया होगा जो कि मैं इस तरह के एफिलिएट कमीशन को जनरेट कर पा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप एक सिंगल डे का अगर यहाँ पर आप एस्टिमेट लगा रहे हो कि मैंने इतना किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है मैंने फेसबुक ऐड से हट के भी कुछ चीज़ें करी होंगी, मैंने गूगल ऐड से हट के भी कुछ चीज़ें करी होंगी, मैंने कुछ चीज़ें इस तरह से अप्लाई की होंगी जो आज के टाइम में लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का एफिलिएट कमीशन आपको बहुत कम लोग दिखाएंगे अपने डैशबोर्ड के ऊपर, क्योंकि इस तरह का कमीशन लोग बहुत कम लोग जनरेट कर पाते हैं, स्पेशली एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे कल देखो मैंने कितना किया था, $2,741 एक सिंगल डे के अंदर, मतलब आज के दिन तो मैंने आपको दिखाई दिया, कल कितना किया है $2,741 एक, ये भी एक सिंगल डे के अंदर मैंने यहां पे जनरेट किया हुआ है। अगेन ये भी तुक्के में जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि तुक्के में एक दिन जनरेट होता है, जाहिर सी बात है एक दिन जनरेट होगा दूसरे दिन जनरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे मैंने दूसरे दिन भी जनरेट किया हुआ है $2,741, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहां पे $200 जनरेट हुए हैं एक हफ्ते के अंदर, जो अभी हफ्ता चल रहा है, $23,221 से ज्यादा, ठीक है, एक सिंगल वीक के अंदर इतना, ना मैं आपको सच बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे कंसिस्टेंसी देखो आप, यहाँ पे हर एक दिन सेल जनरेट हुई है, यहाँ पे होप जनरेट हुई है, सेल जनरेट हुई है हर एक सिंगल डे के अंदर। यहाँ पे आप देखो 28 तारीख से लेके आप यहाँ पे देखो हर एक दिन यहाँ पे हमारी सेल जनरेट हुई है, एक एक सिंगल डे के अंदर हमारी सेल जनरेट हुई है, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई सा भी ऐसा दिन दिख लो जिस दिन हमारा $2,500 से नीचे का रिवेन्यू गया हो, गया ही नहीं है $2,500 से नीचे का, ठीक है। ये एफिलिएट कमीशन मैंने यहाँ पे जनरेट किया है सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर, इसके मैं आपको यहाँ पे मैप भी दिखा रहा हूँ कि हर एक दिन यहाँ पर मेरा एफिलिएट कमीशन जनरेट हुआ है। सो दैट्स द पावर ऑफ यूएस एफिलिएट मार्केटिंग, अगर आप सभी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हो, और एक महीने के अंदर, इस महीने के अंदर $96,000 से ज़्यादा, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करता हूँ उसको मैं आपके सामने अभी, ठीक है। गूगल सर्च मैंने यहाँ पे किया और जस्ट लुक एट द नंबर्स हियर, राइट। एक सिंगल महीने का रिवेन्यू मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ अपना, एक सिंगल महीने का, ठीक है। ये क्या है, यूएस एफिलिएट मार्केटिंग, दैट्स द पावर यूएस एफिलिएट मार्केटिंग, राइट। एक हफ्ते के अंदर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इंडियन रुपीज में कितना कन्वर्ट होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो जस्ट मैंने यहाँ पे सर्च गूगल फॉर ये किया और जस्ट इंडियन रुपीज में क्या होता है, यहाँ पे नहीं आया, तो मैं जस्ट दोबारा इसको करता हूँ डॉलर्स में, डॉलर का साइन यहाँ पे रह गया था, इसको मैं दोबारा पूरा करता हूँ, जस्ट एक सेकेंड। अब मैं इसको सर्च करता हूँ एक बार यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको
अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, इसको किया मैंने और इसको मैं यहाँ पर करता हूँ सर्च गूगल फॉर और जस्ट लुक एट दिस राइट, 19 लाख रुपए से ज़्यादा एक सिंगल हफ्ते के अंदर। और इतनी मैं सच बता रहा हूँ, पूरे महीने में पूरे साल के लोगों की पैकेज नहीं होता है इतना, ठीक है। तो हमने एक हफ्ते में जनरेट किया हुआ है, कुछ ना कुछ तो क्रैक किया होगा बॉस, इसलिए बोल रहा हूँ एंड तक देखना इस वीडियो को जरूर आप लोग, ठीक है। तो हर एक दिन यहाँ पर एफिलिएट कमीशन जनरेट हुआ है, मैंने आपको दिखाई दिया। तो जैसा मैंने आपको दिखाई दिया कि हम लोगों ने कंसिस्टेंट बेसिस पर एफिलिएट कमीशन जनरेट किया हुआ है यूएस मार्केट में, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कुछ ना कुछ तो हम लोगों ने क्रैक किया हुआ। अब मैं आपको अपना पहला सीक्रेट बताता हूँ कि मेरा सीक्रेट क्या है, पहला सीक्रेट जो मेरा इस तरह का रिवेन्यू जनरेट हो पाया। सबसे पहला सीक्रेट जो मेरा है वो है मैंने एक ऐसे तरह के प्लेटफॉर्म को डिसाइड किया जो कि आज के टाइम में, देखो आपको पता है एआई का जमाना है आज के टाइम में, ठीक है, मोस्टली लोग एआई पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैंने देखा कि एआई इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूम करने वाली है आने वाले टाइम में, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे किस तरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना चाहिए जहां पर एआई कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। तो सबसे पहले मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला वॉरियर प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत ज्यादा एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे और यूएस मार्केट में लोग इसको बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से इसको ग्रैब करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिसाइड किया जिस पे मुझे सॉफ्टवेयर्स कुछ मिले, एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर्स मुझे कुछ मिले, तो वो कौन सा था, वॉरियर प्लस। अब सेकंड जो मेरा सीक्रेट है वो मैंने इस तरह का सॉफ्टवेयर डिसाइड किया, एक ऐसा प्रोडक्ट डिसाइड किया जिस प्रोडक्ट की मार्केट को नीड है, मतलब एक नीडफुल प्रोडक्ट मैंने डिसाइड किया, एक डिजायरफुल प्रोडक्ट मैंने डिसाइड किया और एक मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट डिसाइड किया अपना एफिलिएट कमीशन जनरेट करने के लिए। बेसिकली जो मेरा एफिलिएट प्रोडक्ट था वो एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसकी लोगों को नीड है। मान के चलो कि आपके सामने कोई पर्सन है, आपको बोलो कि भाई ये ले, ये पेन किलर है, राइट, इस पेन किलर से तेरा दर्द दूर हो जाएगा, लेकिन आपको दर्द है ही नहीं, तो क्या आप उस प्रोडक्ट को परचेज करोगे? नहीं करने वाले हो ना, क्यों? क्योंकि आपको उस प्रोडक्ट की नीड ही नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट आपके सामने है जिस प्रोडक्ट की आपको नीड है, जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो डेफिनेटली आप उसको परचेज करोगे। तो यही चीज हमारी एफिलिएट मार्केटिंग में भी लागू होती है। आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिसाइड करना है, किस तरह का प्रोडक्ट डिसाइड करना है जिसकी मार्केट को नीड हो। अगर इसके बारे में आप पूरा और भी ज्यादा इन डेप्थ में जानना चाहते हो तो मैंने आई बटन पे एक वीडियो दी हुई है, जाकर उसको भी चेकआउट कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद में, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, चलो हमने एक अच्छा प्रोडक्ट भी डिसाइड कर लिया, प्लेटफॉर्म भी डिसाइड कर लिया, अब थर्ड स्टेप क्या होगा, हम उस प्रोडक्ट को किस तरह से सेल करेंगे, जानना चाहते हो? चलो मैं आपको बता ही देता हूं कि आपने जो प्रोडक्ट अपने डिसाइड किया है उस प्रोडक्ट को आपको किस तरह से सेल करना है। और ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत कम लोग बताएंगे, क्योंकि इस तरह की चीजें बहुत कम लोग आज के टाइम में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग साइकोलॉजिकल मार्केटिंग। आप बोलोगे साइकोलॉजिकल मार्केटिंग क्या होती है, पहले मैं उसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूं। साइकोलॉजिकल मार्केटिंग का मतलब होता है आप इस तरह का कंटेंट प्रिपेयर करना है आपको कि वो आपके कंज्यूमर के माइंड में जाके डिसीजन बनाने में उसको हेल्प करे। इसको थोड़ा सा मैं और ज्यादा इन डेप्थ में समझाने की कोशिश करता हूं। अब लेट सपोज मैंने आपको जब रिजल्ट दिखाए थे, रिजल्ट अभी जब थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिजल्ट दिखाए थे, रिजल्ट दिखाते हुए मैंने आपको कंसिस्टेंसी दिखाई, सारी चीजें दिखाई, और उसके बाद में मैंने आपके दिमाग में क्वेश्चन पैदा किया कि ये रिजल्ट मैंने कैसे जनरेट किए। तो आपने सोचना स्टार्ट किया होगा कि इसने किस तरह से रिजल्ट जनरेट करे हैं, क्या इसने ऐसा किया होगा, और वहीं पर ही मैंने आगे वीडियो में आके इसका आंसर देने वाला हूं, ठीक है। तो ये एक पार्ट होता है साइकोलॉजिकल मार्केटिंग का। तो सेम इसी तरह से हम लोग ऐसा कॉन्टेंट प्रिपेयर करते हैं अपने एफिलिएट प्रोडक्ट के लिए जहां पर हम कंज्यूमर के अंदर जाकर उसको डिसीजन बनाने में हेल्प करते हैं, जहां पर हम उसके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर देते हैं। अब इसका भी छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने बताता हूं। लेट सपोज हम लोग फेसबुक से अपना ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं, वो ट्रैफिक हमारे लैंडिंग पेज पर आया, ठीक है। अब लैंडिंग पेज पर आने के बाद में उसने हमारी हेडलाइन पढ़ी, हेडलाइन पढ़ने के बाद में अब जो चीज उसके दिमाग में आ रही है हेडलाइन पढ़ने के बाद में, सेम चीज से रिलेटेड उसका आंसर हमने अपनी नेक्स्ट लाइंस में दिया हुआ है। तो ये अमेजिंग चीज है जो आज के टाइम में बहुत कम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जस्ट बहुत छोटी चीज मैंने आपको बताई है, इट जस्ट 0.1% जो मैं आपको बता रहा हूं साइकोलॉजिकल मार्केटिंग के बारे में। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एग्जीक्यूट करनी है, जहां पर उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और आपकी सेल्स बूस्ट होती है। बिलीव मी, आज के टाइम में ये चीज आपको कोई भी नहीं बताने वाला है, क्योंकि इस तरह की चीजें बहुत कम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आफ्टर वर्किंग हंड्रेड्स ऑफ बिजनेसेस एक चीज बहुत क्लियरली मुझे समझ में आई है कि जिस बिजनेस की मार्केटिंग स्ट्रांग होती है वो बिजनेस की सेल हमेशा अच्छी होती है। लेकिन मार्केटिंग आपको एक बार प्रोडक्ट तो सेल करके दे देगी, लेकिन क्या वो वन टाइम सेल आपको हमेशा सेल जनरेट करके दे सकती है, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको एक ऐसा प्रोडक्ट डिसाइड करना है जिसकी एक्चुअल में मार्केट को नीड हो। आपको कुछ इस तरह के प्रोडक्ट नहीं लेने हैं जो कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जो कि बहुत यूट्यूबर्स आपको बोलेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट ले लो, ये प्रोडक्ट डिसाइड कर लो, मैंने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था मुझे इसकी सेल आई है, मैंने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था इसकी सेल आई है। अब आप खुद ही देखो, वो यूट्यूब पर अगर ये सारे प्रोडक्ट को अपने रिवील कर रहा है और सारे प्रोडक्ट पे लाखों व्यूज आए हुए हैं, उसमें से मैं मांग के चलता हूँ 10%
10% कन्वर्जन रेशियो लेकर चलता हूं मैं कि 10% लोगों ने एग्जीक्यूट किया होगा तो कितना कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। तो आपको ये चीज खुद रिसर्च करनी आनी चाहिए कि एक ऐसा प्रोडक्ट आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे जो कि यूएस मार्केट के अंदर एक विनिंग प्रोडक्ट है। तो इसलिए बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मुझसे सीखो आप आके, लेकिन आप ये चीज सीखो, चाहे ब्लॉग्स पढ़ो, चाहे रिसर्च करो, चाहे खुद के एक्सपेरिमेंट्स करो, ये चीज आपको सीखनी चाहिए अगर आप एक्चुअल में एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिल्ड स्ट्रॉन्ग फनल। जब मैं फनल्स की बात कर रहा हूं ना, तो मैं हमेशा बोलता हूं फनल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट फनल और दूसरा होता है मार्केटिंग फनल। प्रोडक्ट फनल आपको आपके रिवेन्यू को बूस्ट कराता है, मार्केटिंग फनल काम करता है आपका प्रोडक्ट सेल कराने में, ठीक है। कि लेट सपोज कि आप अपना ट्रैफिक कहां से लेकर आओगे, कहां पर लेकर आओगे, फिर जो लोग कन्वर्ट हुए हैं उनको कहां पर बेचना है, जो लोग कन्वर्ट नहीं हुए हैं उनको कहां पर बेचना है, ये सारी चीजें एक मार्केटिंग फनल का पार्ट होती है। और जो चीज मैंने आपको फर्स्ट बताई थी प्रोडक्ट फनल, वो एक पार्ट होता है प्रोडक्ट का, मतलब जो प्रोडक्ट आप लोग डिसाइड करने वाले हो, यू हैव टू चेक इट कि उस प्रोडक्ट का फनल क्या है, क्या आपको वन टाइम ही कमीशन मिलने वाला है, क्या वहां पर रेकरिंग कमीशन है या नहीं है। रेकरिंग कमीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपको इस तरह के प्रोडक्ट को डिसाइड करना है जो कि रेकरिंग कमीशन हो। देखो अब सिंपल चीज है, आप 100 लोगों को लैंडिंग पेज पर लेकर आए हो, उसमें से 10 लोग मैं लेकर चलता हूं कन्वर्ट हुए, ठीक है, 10 लोग कन्वर्ट हुए, 90 लोग बचे हुए हैं, ठीक है। अब 10 लोगों को वन टाइम आ गए, वन टाइम वो कन्वर्ट हुए, तो उसके बाद में 10 बार ही आपके पास में एफिलिएट कमीशन आने वाला है। लेकिन कैसा हो कि हम लोग 10 लोगों से 50 बार एफिलिएट कमीशन जनरेट करें, अनबिलीवेबल है ना, लेकिन यही सेम चीज मैं आज के टाइम में कर रहा हूं। उसके लिए आपको रेकरिंग प्रोडक्ट पे जाना पड़ेगा, एक ऐसा प्रोडक्ट डिसाइड करना पड़ेगा जिसमें आपको रेकरिंग इनकम मिले, और इस तरह के प्रोडक्ट ढूंढना आज के टाइम में थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहां पर YouTube के ऊपर आप लेकर चलोगे बहुत ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्लिक बैंक के ऊपर ही आपको बताते चले जाएंगे कि गूगल एड चलाओ, क्लिक बैंक के ऊपर काम करो, गूगल एड चलाओ। बट बिलीव मी, यही सेम चीज ना 2016 के अंदर काम करती थी, 2024 में काम करना चाहते हो तो ये चीज आप लोग इस चीज से बच जाओ। तो आपको एक ऐसा प्रोडक्ट डिसाइड करो जिसका फनल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, और एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग फनल बिल्ड करो। स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग फनल बिल्ड कैसे किया जाता है, इसको मैं इन डेप्थ में अपनी मेंटरशिप के बारे में भी समझाता हूं, इस चीज के बारे में बहुत इन डेप्थ में मैं बात करता हूं कि मैं पर्सनली किस तरह से मार्केटिंग फनल बिल्ड करता हूं, मैंने अपने प्रोडक्ट के लिए किस तरह से मार्केटिंग फनल को बिल्ड किए हुए हैं, मेरा रिवेन्यू किस तरह से आता है वहां से, मैं किस तरह से ईमेल मार्केटिंग करता हूं जो कि एक मार्केटिंग फनल का पार्ट रहती है, जो मेरा 90% ट्रैफिक रहता है जो कन्वर्ट नहीं होता है उनके साथ में मैं क्या करता हूं, उनके साथ में किस तरह से साइकोलॉजिकल मार्केटिंग करता हूं। तो ये सारी चीजें एक पार्ट होती है मार्केटिंग फनल के, जिसको मैं अपनी मेंटरशिप में इन डेप्थ में बताता हूं। अगर आपको मेंटरशिप के बारे में जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है, अपनी टीम के नंबर दिया हुआ है, जाके आप लोग वहां पे इंक्वायरी कर सकते हो। देन उसके बाद में आपने एक मार्केटिंग फनल स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर लिया, आपका एफिलिएट कमीशन जनरेट होना स्टार्ट हो गया, इन सभी चीजों को एग्जीक्यूट करने के बाद में जो कि मैंने आपको जो चीजें भी बताई है ना, अब इन चीजों में चार चांद लगाने के लिए आपको करनी पड़ेगी ओमनी प्रेजेंस मार्केटिंग। अब आप मुझे खुद ही एक चीज बताओ, दो प्रोडक्ट है, ठीक है, एक ए प्रोडक्ट है और एक बी प्रोडक्ट है, दोनों सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है, बस कंपनी अलग है, ठीक है, सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सेम निश के अंदर आते हैं, सेम प्राइसिंग में आते हैं, और जस्ट कंपनी का फर्क है। प्रोडक्ट ए आपको एक दो जगह दिखाया है फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, लेकिन प्रोडक्ट बी आपको हर जगह दिखाई दे रहा है जहां भी आप जा रहे हो। लेट सपोज यूट्यूब के ऊपर आप जा रहे हो, वहां पे दिखाई दे रहा है, आप कोई ब्लॉग पढ़ रहे हो, कोई ऐप यूज कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, मेनवाइल आप जहां भी इंटरनेट के ऊपर जा रहे हो आपको ये प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। तो आप मुझे बताओ आप किस तरह के प्रोडक्ट को लेना पसंद करोगे, कौन सा प्रोडक्ट आप लोग लोगे, बी प्रोडक्ट, राइट, क्यों, क्योंकि आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा दिखता है वो सबसे ज्यादा बिकता है, और यही चीज ओमनी प्रेजेंस मार्केटिंग के थ्रू की जाती है। जो भी प्रोडक्ट आप लोग सेलेक्ट कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट आप लोगों ने मार्केट में अपना लॉन्च किया है, मतलब जो भी प्रोडक्ट आप लोगों ने डिसाइड किया है सेल करना, उस सेम प्रोडक्ट पे 90% ट्रैफिक जो आपका कन्वर्ट नहीं हुआ था उनके सामने हम लोग करते हैं ओमनी प्रेजेंस मार्केटिंग, ताकि वो लोग कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। सेम तरह से जो 10 लोग हमारे कन्वर्ट हुए थे, ठीक है, जो 10 लोग हमारे कन्वर्ट हुए थे उन लोगों को हम लोग अपसेलिंग के लिए करते हैं ओमनी प्रेजेंस मार्केटिंग, ताकि हमारा रेकरिंग इनकम वहां से जनरेट होना स्टार्ट हो। ये मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू दिया है, इसके बारे में अगर इन डिटेल में जानना चाहते हो ना, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दी हुई है, जाके टीम से जाकर जरूर पूछना कि ये प्रोसेस होता क्या है। मैं ये नहीं बोला मेंटरशिप में ज्वाइन करो, जाके जरूर पूछना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है ये चीज, क्योंकि ये चीज आज के टाइम में बिलीव मी कोई नहीं बताने वाला है। और यही सारी चीजें एग्जीक्यूट करके मैंने $96,000 का एफिलिएट कमीशन जनरेट किया। आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी, इसमें प्रॉफिट कितना होगा, ये भी एक साइकोलॉजिकल मार्केटिंग का पार्ट था बाय द वे, ठीक है, बट इसमें से प्रॉफिट मेरा 70% इसमें से लगभग मेरा प्रॉफिट रहा है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एड बजट्स एंड ऑल द प्लेटफॉर्म फीस, राइट, इसमें कितना रहा है 70% लगभग मेरा इसमें प्रॉफिट रहा है। और यही चीज आप भी कर सकते हो, सारी चीजों को अगर आप एग्जीक्यूट करते हो स्टेप बाय स्टेप, आज के टाइम में आपको सही चीजें बताने वाले लोग कम मिलेंगे और YouTube पर व्यूज गेन करने वाले लोग आपको ज्यादा मिलेंगे। और YouTube पर जो क्रिएटर्स होते हैं ना, उनको चाहिए होते हैं व्यूज, और व्यूज के लिए वो उन्हीं चीजों पर वीडियो बनाएंगे जिन चीजों के बारे में आप जानना चाहते हो, और जिन चीजों के बारे में आप जानना चाहते हो, जिन चीजों के बारे में आप सर्च करते हो,
उनसे रिजल्ट अब नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस चीज को जितना जल्दी समझ लोगे आपके लिए बेटर रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस तरह की चीजें मैं और ज्यादा आपके सामने लेकर आने वाला हूं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।